जय माता दी, चरण जय माता जी की बेटा, स्पर्श माता जी। शुभ आशीर्वाद बेटे। और रहना है कामठी में, काम पैदाइश। हाँ, नागपुर के पहले कामठी आता ना। हाँ बेटे, क्या हाँ, तो वहाँ रहना है, पैदाइशी भी यही हुई है। तब पूछना चाह रहे थे बेटे, प्रश्न करें? माता जी, अब आप ही बता दीजिए। जी परिस्थितियों ने चारों तरफ से आपको जकड़ रखा है बेटे। सुख नाम का शुभ संदेश समझ में नहीं आ रहा आपके जीवन में आपको, जी क्योंकि मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सब गड़बड़ा गई है। जी मतलब आपको ये लगने लगा है कि आपके जीवन से सुख उठ गया है क्या? ऐसा लग रहा है या नहीं? सही बात है। आपका जीवन फलादेश बगलामुखी शक्ति सिद्धिपीठ सिवनी से हो रहा है जी और यहाँ सटीक फलादेश होता है बेटे आपके जीवन जी का। आपसे माता पूछा भी नहीं जाएगा और आपको सारी समस्याओं के बारे में बता दिया भी जाएगा और निदान भी आप प्राप्त करेंगे। जी जी सबसे पहला सुख है जीवन में मनुष्य के जब युवावस्था को प्रवेश करता है, उसके बाद गृहस्थ सुख को प्राप्त करता है। उसके बाद गृहस्थ सुख जब मिलता है तो फिर चिंताएं बढ़ जाती है, आय के स्रोत कैसे होंगे, परिवार को कैसे चलाऊंगा, मैं स्वयं कैसे स्वस्थ और खुशी जीवन जी पाऊंगा, ये विचारणीय हो जाता है मनुष्य का जीवन। जी और अभी वर्तमान की स्थिति में कर्ज की स्थिति बन गई है बेटे, जी सत्य है या नहीं? माता जी, और कर्ज की स्थिति बन गई है, पत्नी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के योग, और आय के स्रोत में वृद्धि नहीं हो रही है, माता जी लक्ष्मी आ रही है किंतु स्थिर नहीं रुक पा रही है, सही बोले और मतलब इधर आई इधर जाने के योग। कर्ज जी। भी हो गया है तो कर्जदार भी आपको परेशान करेंगे। जहां आपने मित्रता का भाव स्थापित किया, वहीं आपको शत्रुता का भाव बदले में प्राप्त हुआ है। आपने अपने जीवन में सभी का हित करना चाहा, किसी को आप दुखी नहीं करना चाहे, सभी के लिए आधी रात को भी आप मदद के लिए तैयार खड़े रहे, किंतु आपके लिए कोई खड़ा नहीं है, आज आप अकेले हैं। जी माता परिवार समाज तो है, लेकिन आपके साथ जो जो कष्ट से आप गुजर रहे हैं उसमें आप अकेले खड़े हुए हैं। बोला पति पत्नी के संबंध भी मधुर नहीं बन पा रहे हैं, जी माता मतलब आप कहते कुछ हैं, वो समझते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। सही बोला ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न तो बाहर वाली लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। आपको अपने जीवन में आरोप झेलना पड़ रहा है, आरोप लांछन, बोल जो आपने किए नहीं वो भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है। बाहर वाला लगाए तो लगाए, घर वाला पहले लगा रहा है सही बोल और आप हिसाब देते देते थक जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। सत्य को व्यक्त करने के लिए आप गले में छुरी भी लगा लें, कहें कि मैं सच हूं, मैं सही हूं, मैं काट लूंगा अगर तुमने नहीं माना, तो वो बोलेंगे तुम अपने मन से काट रहे हो, मस्ती में काट रहे हो, हमारा दोष नहीं है। फिर भी आप अकेले ही होंगे, जी तो जब अकेले ही रहना है और अकेले ही दुख को भोगना है, सुख जब आएगा आपके साथ सब होंगे, दुख में आप अकेले ही होंगे। तो माता जो दुख में आपके साथ रहता है, सुख में आपके साथ रहता है, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है, वो परमात्मा होता है, वो माँ भगवती होती हैं। और इस संसार में शिव से बढ़कर के कुछ नहीं है बेटे। शिव जी और माता पार्वती के जो अनन्य रूप हैं, जो दसों महाविद्याओं में, नौ देवी शक्तियों में जो विभाजित हुई है माता रानी, तो जी वे सभी देवियों का एक ही स्वरूप है, दिव्य और परम सत्य, वो पार्वती जी का ही दिव्य स्वरूप है। आदि शक्ति माता इनसे बढ़कर के कुछ नहीं है बेटे जीवन में। जी सही है।
आप किसी भी देवी देवताओं की शरण में जाइए, ये कल्प कल्प में जन्मते हैं फिर मरते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी का भी कल्प कल्प में अवतार होता है, लेकिन भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अजन्मा है, अटल वरदानी, अविनाशी हैं।